दोस्तों, क्या आप परेशान हैं अपनी जिंदगी से और आपको अपनी जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आप एकदम सही जगह आए हैं दोस्तों। आज तुम्हें भर भर के मोटिवेशन देंगे, लेकिन मैं नहीं, ना 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 ना, हम मोटिवेशन लेने वाले हैं हमारे एक YouTube शॉर्ट्स के मोटिवेशनल स्पीकर से, जो रिश्ते में संदीप महेश्वरी की चाची के छोटे लौंडे हैं, कुलदीप सिंघानिया। रेडी? जस्ट 2 मिनट। ये टेलर ने कैसा काम किया है? ये भी प्रॉपर नहीं है, सिलाई भी प्रॉपर नहीं है, पैंट भी छोटी है, इतनी गलती है टेलर से। हाँ, एक्टर भी तो प्रॉपर नहीं है, वो भी तो बोल। एंड दोस्त, व्हाट इज दिस? सारे के सारे पैसे सूट बनवाने में चले गए क्या? जो ये 300 रुपए के नीचे जूते पहन के आने पड़ रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे तक इतना सजा है तो जूते तो अच्छे पहन लेता है। अच्छा, छपरी लगना जरूरी है इसलिए? इतनी गलती है टेलर से। 2 मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं? एक बात बता, तेरे को इसका सोल्यूशन पता है? नहीं। अरे चाचा, 2 मिनट के लिए शूट रोक के किधर निकल दिए? अरे कुछ समझा रहे तो वही समझा दे भाई, बैठा के कहा लेके जा रहा हूँ उस बेचारे को। आज अपन शूट कर रहे थे ना, वहाँ पे परसों एक एग्जीबिशन लगी थी, एक पेंटर आया था अपनी खूब सारी पेंटिंग्स लेके। मजे की बात ये कि उसने एग्जीबिशन के बाहर लिख दिया था कि जिस जिसको भी मेरी पेंटिंग्स में कोई भी कमी दिखे वो प्लीज पेन से निशान कर दे। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग्स को आके देखता है तो पता चलता है कि लोगों ने हर जगह निशान ही निशान करे हुए थे, ये भी खराब है, ये भी खराब है। पेंटर बड़ा दुखी होता है, लेकिन अगले दिन फिर अपनी पेंटिंग्स लेके आता है, लेकिन इस बार कहता है कि प्लीज मेरी पेंटिंग्स पे निशान ना करें, उन गलतियों को सुधार ही दें जो आपको खराब लगती है। शाम को जब वो पेंटिंग्स आके देखता है तो एक भी गलती नहीं दिखती लोगों को, एक भी निशान नहीं दिखता। कुछ समझा क्या? याद उस दिन जो है पेंटर ना तो वहां पेंसिल रख के गया था, ना ही कलर्स, ना ही ब्रश। भाई लोगों ने सोचा होगा यार ये दोबारा आया है, क्यों इसका दिल दुखाए भयंकर, नहीं निकालते इस बार गलती, ऐसे खुश रहने देते हैं। आगे सुना दो, इसे लेके कहा जा रहा, मुझे तो यही जानना भाई। किसी को उनकी गलतियां गिनाओ मत, अगर आपको गिनाने का ज्यादा ही शौक है जी, तो पहले उस काबिल बनो कि खुद उस गलती को सुधार सको। भाई ऐसे टेलर के पास ले जाके मानेगा वो, और कुछ नहीं भाई, गाड़ी रोक रहे चाचा। वो DSLR वाला तो वही रह गया जिसे तुम 500 रुपए घंटे में लेके आए हो? 2 मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं? भाई फालतू का रेंट वेंट बढ़ जाएगा, जाके जा वीडियो स्टूडियो बना ले अपनी, टेलर के पास बाद में ले जियो इसे। सपोज अगर मैं टेलर के पास जाके शर्ट सिलवाता हूँ, उसने कुछ गलत कर दिया, तो टेलर मुझसे ये थोड़ी कहेगा कि तू खुद बैठ के आगे कर ले। अबे चिरान आदमी, मुझसे शर्ट सिलनी आती तो मैं तेरे पास आता ही क्यों? जीरो की खोज। एक बात बता, जीरो की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने। अब ये बता कैसे? कैसे? भाई ये क्या बात हुई, कैसे यार? कैसे का नहीं पता, लेकिन आर्यभट्ट जी ने अगर सिंघानिया साहब की वीडियो देखी होती तो वो जीरो की नहीं चूते की खोज कर जाते। एक बार आर्यभट्ट बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों के नाम गिन रहे थे जो वक्त पे उनके काम आए, गहरे चिंतन के बाद जीरो की खोज करी थी। म्यूजिक इज कंपलसरी दोस्तों, कुछ भी पक दो, कुछ भी कह दो, लेकिन उसके बाद ये म्यूजिक जरूर आना चाहिए, खतरनाक वाला। यार ऊपर से आर्यभट्ट जी भी कह रहे होंगे भयंकर ये कब कह दिया यार मैंने। बात तो सही है। ऐसा तो मैंने कुछ सोच के जीरो की खोज नहीं की थी। ये चिरान लोडा तो बिन बात की बकेती पेल रहा भाई, नीचे बैठ के कैमरे के सामने। भाई इसके मोटिवेशन से ना कोई पागल हो जाएगा, बाल बाल नोच लेगा अपने, और कुछ नहीं। यार मैं अपने बाल बिल्कुल नहीं नोचना चाहता, बाल टूट जाएंगे भाई, कमजोर हो रखे हैं यार, स्ट्रेस बहुत है ना आजकल दोस्तों मुझे। और स्ट्रेस मतलब हेयरफॉल, हेयरफॉल मतलब गंजापन, गंजापन मतलब जॉनी सेंस। वैसे मैं बनना तो चाहता हूँ। हेयरफॉल जो आजकल काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, जाना रिसर्च अबाउट इट, और मुझे पता लगा फिर ट्राया के बारे में। ट्राया का सीन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर तुम्हें भी हेयरफॉल वगैरह हो रहा है तो सुनो। तो हेयर लॉस की जो है 7 स्टेजेस होती है, अगर आपकी स्टेज हेयर थिनिंग है जो की स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 या 3 है, तो ट्राया प्रोवाइड करेगा आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करके देगा तुम्हारे हेयर के अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारा हेयर टाइप कैसा है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है उसको देख। अगर स्टेज 5 से स्टेज 7 है देन यू शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, वरना भाई मस्त एकदम जॉनी सिंस के फैन बन जाओ, रोज सुबह उठ के बोलो जय जॉनी सिंस। So, ट्राया ने एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट डिजाइन किया है लीडिंग डॉक्टर्स एंड हेयर एक्सपर्ट्स की मदद से। ये टेस्ट एकदम एक्यूरेट है जो कि तुम्हारे हेयर फॉल का रीजन और तुम्हारा स्टेज बताएगा। इसके बाद दे क्रिएट अ कस्टमाइज्ड हेयर किट जो कि तुम्हारे हेयर प्रॉब्लम पे काम करेगा। जैसे कि ट्राया ने मुझे ये मेरा पर्सनल हेयर किट बना के दिया था। ट्राया ने 93% हेयर सक्सेस रेट दिया अभी तक, और ये जेनेटिक हेयर फॉल पे भी काम करता है। इन्होंने 1.5 लाख लोगों को पिछले 5 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैंने जो 3 स्टेप्स फॉलो किए थे एक किट बनवाने के लिए, सबसे पहले मैंने इनका फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट लिया था जहां पे मैंने अपनी एक पिक्चर पोस्ट की थी। स्टेप 2 अपनी एक किट खरीदी, एंड स्टेप 3 ट्राया का दिया हुआ डाइट प्लान फॉलो किया। ट्राया की तरफ से आपको एक अपना पर्सनल हेयर कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इतना करने के बाद आपको 5 मंथ में रिजल्ट मिलेंगे। ऑल्सो यूज माय कोड धीरू20 जो कि तुम्हें 20% डिस्काउंट देगा तुम्हारी पहले महीने की हेयर ट्रीटमेंट किट पर। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विड इन दिस वर्ल्ड। आओ देखिए क्या है। तुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी है? पानी, 100 साल पुरानी विस्की, चील का मूत, 100 साल पुरानी विस्की। मैं तो कह रही हूँ भाई लोंडे ने नशेड़ी बैठा रखे वहां पे, जो भी इसके पीछे पीछे बोला है विस्की याद आ रही, बता भाई उसे, लोंडा इमोशनल बैठा है हमारा। तो फिर क्या है,
एक इंसान के आंसू जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है और 99% फीलिंग्स होती है, इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। भाई 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 चीखे मत यार, दिल का दौरा आ जाता मुझे अभी। दो मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं? मैं तो हंसी आ रही थी इसका एक्सप्रेशन देख के, अभी मैं तो रोक के बैठा था, इनने तो डराई दिया भाई कतई। अरे सिंघानिया साहब, हम तो तुम्हें अच्छा एक्टर समझ रहे थे, लेकिन यहाँ आके तो तुमने जिंदा हक दिया। इतना भी क्या गुस्सा होना भाई। ये लड़की, कैसे तूने सिंघानिया साहब का दिल तोड़ा बे? है मिल तो मुझे बताता हूँ, मैं तेरी चुटिया खींच के भागूंगा। 100 रुपए किलो एप्पल, 100 रुपए किलो एप्पल, 90 रुपए किलो एप्पल, ताजा एप्पल 90 रुपए किलो। अरे यार, इस तरीके से मैं अपने एप्पल का बिजनेस इस एरिया में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। 90 रुपए किलो एप्पल। मुझे पता भी क्या होने वाला दोस्त, ये इसके भी सेब खरीद लेगा, इसके भी सेब खरीद लेगा, फिर अपने महंगे करके बेचेगा। देखा मैंने, ये देखा भाई साहब, एप्पल कैसे दिए? 100 रुपए किलो। देखा ना, एक काम करो, जितनी एप्पल आपके पास है ना, सारी की सारी पैक कर दो, पीछे रखवा देना, पैसे पीछे ले। भाई यार, पीछे कितनी जगह है तुम्हारे पास? पीछे एप्पल भी रखवा लो, अगर पैसे पीछे कौन रखता है? आगे रखते हैं यार जिम में। अब आएगा। अबे पैसे तो इतने आगे से निकाले जिम में से, उन लोग को कहां से दे रहा पीछे फिर? तो यार एप्पल कैसे दी? 150 रुपए किलो। मार्केट में तो 100 रुपए किलो हो रही है भाई साहब। आप मार्केट में खड़े हो, है कोई 100 रुपए वाला? 2-1 किलो। मार्केट में कॉम्पिटिशन खत्म करने का ये वन तरीका, कॉम्पिटिटर कोई खरीद लो। कुलदीप भाई, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस से ग्रेजुएट हुए हो ना? हाँ, मुझे समझ आ रहा है। अब है चिरान, तूने 100 रुपए में उसके सारे एप्पल खरीद लो, 10 रुपए का फायदा भी ले लिया होगा उसमें। अब वो मंडी फिर जाएगा, नए सेब खरीद के लाएगा और तुझे मंडी का गंडी बना देगा। सॉरी मतलब वो फिर से लाके बेच देगा भाई, तेरे आगे लाके फिर खड़ा हो जाएगा वो तो। और क्या पता उसके घर में पहले से स्टॉक रखा हो, यहाँ से अपना ठेला खाली करके फिर से भर के ले आवे तेरे आगे। इस तरह से नहीं चलता बिजनेस दोस्त। नहीं ठीक है। पता है कितने की आती है? 1 रुपए की। गुड। पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 रुपए की। भाई एक की ना आती, अब 2 रुपए की आनी शुरू हो गई अगर तुम्हें बताओ तो। हर चीज महंगी हो गई है, माचिस आज भी उतने की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। म्यूजिक के साथ कुछ भी बक जाऊंगा, थोड़ा तो लॉजिकल लगेगा ही। हैं? ऐसा नहीं होता सिंघानिया साहब। मैं माचिस एक बहुत कीमती चीज है, सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग से पूछ भाई। भाई कितनी जगह काम आती है यार माचिस। ने तो अलग ही लॉजिक जोड़ दिया भाई, आग लगाने वालों की कभी नहीं है। भाई जिनने सबसे पहले माचिस बनाई होगी वो भी से ऊपर बैठ के गाली बकरा होगा। भाई ये कलयुग चल रहा, लोगों को पीछे खींच खींच के आग लगा लगा के लोग आगे निकल लेते हैं, पता तुझे? हाँ जी भैया। भैया चिट्ठी आई है। किस नाम से? कुलदीप सिंघानिया। भाई तेरा पोस्टमैन बड़ा सही है, घर में घुस गया सीधे टेबल के आगे लेके दे दी तेरी चिट्ठी, या फिर तू दरवाजे के पास बैठा है बे। भाई क्या पता इसके किसी लॉजिक के हिसाब से इसके घर में दरवाजे ही ना हो, कुछ होगा इसका लॉजिक लगा रहा है जिस हिसाब से ये। होगा भी क्या, जमाना होता था ना, लोगों के अंदर कितना सब्र हुआ करता था, लोग एक एक चिट्ठी के लिए कितना इंतजार करते थे, और आज देख लो एक रिप्लाई आने में क्या लेट हो जाए, लोग तो रिश्ते ही तोड़ देते हैं। यार मेरे दिमाग के ब्रेन सेल्स जो है ना मरते जा रहे हैं इसकी वीडियोस देख देख के। तब जमाना और था दोस्त, पहले चिट्ठी लिखनी होती थी, पोस्ट ऑफिस पे जाती थी, वहां से जाती थी, फिर आती थी घर पे, लंबा प्रोसेस है। अभी तो किसी के हाथ में फोन होता ही है, कोई 3-4 घंटे में रिप्लाई नहीं दे रहा, ऑनलाइन दिख रहा लाल बत्ती जल रही है, तो भाई हरी सॉरी, तो भाई कैसे कोई रिश्ता नहीं तोड़ेगा? ये तो भैंस लोंडो से कह रहा चूतिया बन के रहो बे, रिप्लाई लेट कर रही, किसी और से बात कर रही, तब भी बने रहो थोड़े थोड़े चूतिए। देखो लोंडा बात गलत नहीं कहता, लेकिन जिस छपरी स्टाइल में ये सब बोलता है, बैकग्राउंड से म्यूजिक आ जाता है, वो बड़ा छपरीपना लगता है, उसमें मजा नहीं आता। ये माचिस। अरे फिर से माचिस, भाई सिंघानिया साहब क्या करके मानोगे, दुनिया की सारी माचिस जला दोगे क्या? एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या, दो दोस्त होते हैं संता बनता, तो संता एक बार क्या पेड़ पे उल्टा लटका हुआ होता है, तो बनता उससे जाके पूछता है कि भाई तू पेड़ पे उल्टा क्यों लटका हुआ है? तो संता पता है क्या कहता है कि भाई अभी सिर दर्द की गोली खाइए कहीं पेट में ना चली जाए। मस्त, पहली बार कुछ अच्छी बात बोली है भाई, हंसने वाली, ठीक है। अब तुम बहन जो मुझे ये मत कहने लगला, लेम आदमी साले नॉर्मी, भाई आ गई हंसी आ गई। बहुत देर से बकचोदी सुन रहा भाई इसकी, अब जाकर एक ढक्का चूक वो मारा तो आ गई। क्या हुआ, नहीं आई ना हंसी? जब कोई इंसान, अरे आई, आपको हंसाने की कितनी ही कोशिश कर ले वो नहीं हंसा सकता जब तक आपकी खुद की हंसने की इच्छा ना हो। तो एक बात बताइए, आपके बिना चाहे आपको कोई दुखी कैसे कर सकता है? अरे बस खोपड़ी तोड़ेगा क्या अपनी भाई, छेद करेगा क्या? अब यार रोज करूं तो करूं कैसे, अब मैंने तो बैठ कर उल्टा कर दिया, मैं तो हंस दिया जोक पे। इस बार बात सही बोली, बस तरीका गलत था। हाँ भाई यार, अपनी मर्जी से हंसो, अपनी मर्जी से रो, अपनी मर्जी से परेशान हो, किसी और के भरोसे मत बैठो, सही बोल लालोंडा। वैसे अगर एक इंसान मोटिवेट होना चाहे ना,
तो इस देश दुनिया की हर एक चीज उसे मोटिवेट कर सकती है। अरे ना सिंघानिया साहब, गलत बोल रहे, तुम्हारे शॉर्ट्स देख के डिप्रेस होने वाला मैं। इधर हो जाए चैलेंज, फिर हो जाए घड़ी। टाइम वेस्ट मत करो भाई, मैंने बहुत सारा कर दिया यार। दोस्तों अगर तुम ये वीडियो लाइक नहीं करोगे ना तो मेरा टाइम बड़ा ज्यादा बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। धरती सहनशील बनो। 4.5 मिलियन लोग तो बन चुके हैं भाई सहनशील, बाकी 1-2 मिलियन को मैं बना दूंगा गुलाब। जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, हमेशा अपनी खुशबू दूसरों तक फैलाओ। मेरे चांदनी चौक के संदीप महेश्वरी, खुशबू तो नहीं बेटे, क्रिंज बहुत सही फैला रखा लेकिन तुमने, कांटे की तरह चुभ रहा है हमारे। दीपक दूसरों की जिंदगियों में उजाला। कुत्ता वफादार बनो। ये खेल मैं भी खेलूंगा। कुलदीप सिंघानिया चूतिया बनो, बनो नहीं बनाना सीखो कुलदीप भाई से, वो भी तो बना ही रहे ना ऑडियंस का। मस्त एक रिंग लाइट और ब्लर मार के कैमरे से फुल टू झकास। बेटा ये फूल कैसे दिए? ये अंकल 250 के। अरे अरे अमित बेटा, अबे बुड्ढे अंधा है क्या? अंकल आप जानते थे कैसे? बेटा ये 10 साल पहले मेरा स्टूडेंट था और रोज मुझे सर सर कहकर रोज मेरे पांव छूता था। भाई यार बड़ा अजीब स्टूडेंट है यार, साला हम हमारे टीचर को देख लेते तो मुंह छुपा के भागते हैं वहाँ से, तो धक्का मार के भाग रहा है, पीटता होगा इसे पकड़ के स्कूल के अंदर। तभी जब रिटायर्ड हो गया हूँ तो देख के अनदेखा कर दिया, क्या कर सकते हैं। वैसे अंकल आपको कभी घर में चूहा मिला है आपने? हाँ बेटा। जब चूहा मिला था आपने क्या किया था? बेटा पिंजरे में डाल के बाहर छोड़ दिया था। पिंजरे में डाल के बाहर छोड़ दिया था, बहुत लोग तो मार भी देते हैं घर में चूहा दिखने पे। सर जब तुम्हें चूहा मिला घर में तो तुमने पिंजरे में बंद करके फेंक दिया, अब तुम फूल की दुकान पे वहाँ तुम्हें चटक चूतिया मिल गया तो इसे मार के क्यों नहीं भगा रहे हो? चूहे चूहे हैं वहाँ पे खूब सारे, आप उस मंदिर में चूहे को टच भी करके देखिए, मारना तो बहुत दूर की बात, आपके ऊपर केस हो जाएगा, कुछ समझे? क्या बेटा? इज्जत ना कभी भी इंसान की खुद की नहीं होती है, इज्जत होती है हमेशा उसकी जगह की, उसकी स्थिति की, उसकी पावर की। जब तक आपके पास पावर है, जगह है, पोजीशन है, तब तक आपकी इज्जत है। भले ही आप इस दुनिया के अच्छे से अच्छे इंसान हो, जिस दिन पोजीशन गई, पावर गई, इज्जत गई। बाकी सब तो ठीक है भाई, अब फूल तो दे दे चचा को, फूल लेने खड़े भाई वो। मैं क्या टीचर तक को नहीं छोड़ रहा भाई, तो वो बेचारा फूल लेने आया भाई, अपनी बीबी को इंप्रेस करने लेने आया होगा, लड़बड़ ली होगी भाई घर पे, वहाँ उसका दिमाग खराब, यहाँ आगे जिंदा मोटिवेशन दे रहा, यहाँ और इसका दिमाग खराब। ठीक है बड़ा खत्म करते हैं और मिलते जल्दी अगली बार, ठीक है? बाय गाइस, बाय कुलदीप भैया। 2 मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं?